हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के बारे में, जो है ल्यूकस पैसिओली के बारे में। ल्यूकस पैसिओली, ये नाम अकाउंटिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये जानकारी हर कॉमर्स के बच्चों को होनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बननी चाहिए। पहली बात, ल्यूकस पैसिओली कौन था, कहाँ से था, ये सारी जानकारी एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में तरह से मैं दूंगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी जानकारियाँ इस चैनल पे पहले से ही मौजूद हैं और जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि इनका पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम था फ्रा लुका बार्टोलोमियो डी पैसिओली। इनके फादर का नाम बार्टोलोमियो पैसिओली था। ये सैनसे पोलकोरो एक शहर है इटली में, जिसका पुराना नाम था बोर्गो। अब बोर्गो में पैदा होने की वजह से इनको कुछ लोग लुका डी बोर्गो भी बोलते थे, लुका डी बोर्गो भी बोलते थे। इनका जन्म हुआ 1447। अब इसमें डिस्प्यूट है, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी मिली वो ये थी 1446 से 1448 के बीच में कब हुआ है ये डेट किसी को पता नहीं है, लेकिन जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 1447, ठीक है। तो अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुई है। और उसके बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट करी वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर मतलब होता है वहाँ की लोकल लैंग्वेज, जैसे यहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, बंगाल में जाएंगे बंगाली है, महाराष्ट्र में जाएंगे मराठी है, उसी तरह वहाँ की वर्नाकुलर लैंग्वेज लैटिन है। तो लैटिन लैंग्वेज में उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी। उस एजुकेशन को एक नाम दिया गया या नाम दिया जाता था उस टाइम पे अबको एजुकेशन। अबको एजुकेशन में उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन पूरी की। फिर 1464 में वो अपनी बिफोल्सी फैमिली को छोड़कर, सैनसे पोलकोरो को छोड़कर वो निकल के वेनिस शहर चले आए और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया। और वहाँ पे एक मर्चेंट थे, उन मर्चेंट के तीन बच्चे थे, उन्हीं तीनों बच्चों को वो पढ़ाया करते थे। और उसी टाइम पे 1464 के आसपास या कुछ उसके बाद उन्होंने अपनी पहली एक नोटबुक तैयार की या बुक तैयार की, जो उन्हीं तीनों बच्चों के लिए थी, अर्थमेटिक में। मतलब ये मैथमेटिशियन बहुत अच्छे थे, ये मैथमेटिशियन ही थे। बाद में उनको अकाउंटिंग में तो थोड़ा कुछ इंटरेस्ट आया, बाद में वो महान बने अकाउंटिंग में, लेकिन पहले ये मैथमेटिशियन थे, ठीक है। बाद में भी मैथमेटिशियन थे बट वो अकाउंटिंग में अपना बहुत बड़ा योगदान देके गए। उसके बाद जब वेनिस शहर में ये अपना काम चालू रखे, 1472 से 1475 में इनको फ्रायर कहा जाने लगा। ये फ्रायर बने, मतलब महंत जिसको बोलते हैं, संत या तपस्वी ऐसा कह सकते हैं, संत बन गए। इनको इसीलिए फ्रा का खिताब मिला, ठीक है। फ्रायर लोग कहते थे, संत है ये, ओके। उसके बाद ये पेरुजिया एक शहर है, 1475 के बाद पेरुजिया एक शहर है जहाँ पे इन्होंने एक प्राइवेट टीचर का काम करना स्टार्ट कर दिया। प्राइवेट टीचर का काम करते करते कुछ साल बीतने के बाद वो 1494, ये उनका मैं गोल्डन एज कहूँगा, इसलिए गोल्डन एज कहूँगा क्योंकि इस टाइम में उन्होंने ऐसी बुक लिखी जिस बुक की वजह से इनको महान कहा गया, ठीक है। वो बुक का नाम था, काफ़ी बड़ा बुक का नाम है, सुम्मा द अर्थमेटिका ज्योमेट्रिका प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनलिटा। ये एक बुक का नाम था जिसमें मैथमेटिक्स की एक बुक थी, और यही वो बुक है जिसमें इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में लिखा। अकाउंटिंग का वो सिस्टम जो आज भी लोग फॉलो करते हैं,
या गोल्डन सिस्टम कहा जा सकता है इसको, ऐसा है कि हर कोई इसको फॉलो कर सकता है जो भी अकाउंटिंग करना चाहता हो। यही वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट वगैरह का यूज़ किए थे। उससे पहले भी अकाउंटिंग की जाती थी, सिंगल एंट्री से की जाती थी, डबल एंट्री से भी की जाती थी, बट उसको एक प्रॉपर फॉर्मूला या फॉर्म देने वाले व्यक्ति यही थे। ठीक है, अकाउंटिंग तो 937 ठीक है 937 से ही यूज़ की जाने लगी थी, बट उसको प्रॉपर फॉर्म मिला 1494 में, जो कि दिया ल्यूका पैसिओली ने। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, ल्यूका पैसिओली वहाँ से तीन साल रहने के बाद उनको एक इनविटेशन आया एक आदमी की तरफ से, जिसका नाम था ड्यूक लुडोविको फोर्स। उनकी तरफ से इनविटेशन आया कि आप आइए, और उन्होंने लियोनार्डो डाविंची से मुलाकात कराई। लियोनार्डो डाविंची आप जानते होंगे, बहुत महान व्यक्ति हैं इस दुनिया के, एक वीडियो उस पर भी बनेगी, आप जो है नेक्स्ट वीडियो हो सकता है उन्हीं के ऊपर मैं बनाऊं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है मैथमेटिक्स में उनका, और आर्टिस्ट भी थे और म्यूजिशियन भी थे ये। उसके बाद 2 साल 3 साल 4 साल वो अपना काम करते रहे लियोनार्डो डाविंची के साथ, तब तक काम करते रहे। 1499 में इनको फोर्स किया जाने लगा, इनको और लियोनार्डो डाविंची दोनों को फोर्स किया जाने लगा कि आप जो साथ में काम कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि उस वक्त जो लुईस ट्वेल्थ कोई किंग था या तानाशाह कह सकते हैं, उसने पूरे शहर को सीज कर दिया, वेनिस शहर को सीज कर दिया, और 1506 में वो फाइनली अलग हो गए, सेपरेट हो गए लियोनार्डो डाविंची से। फिर 1509 में वो वापस सैन सेपोल्क्रो में चले आए वापस, और अपने लाइफ का आखिरी दिन वो वहीं पे बिताए। काफ़ी साल वो जो है अपने सैन सेपोल्क्रो में वापस बिताया, और 19 जून को उनकी डेथ हुई। डेथ की तो डेट है बट बर्थ की डेट हमको कंफर्म नहीं है। वो नियर अबाउट 70 साल जिए और इस दुनिया को अलविदा कहा। ज़्यादा लाइफ अपनी लास्ट टाइम की उन्होंने सैन सेपोल्क्रो में बिताई। और एक योगदान इनका और कहूँगा बहुत बड़ा था, एक बुक इन्होंने और लिखी थी, द डिवाइन प्रोपोर्शन, एक ये बुक, एक सुम्मा द अर्थमेटिका ये बुक, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम की बात की गई है। ये दो बुक इनकी सबसे कामयाब बुक रहीं, जिनकी वजह से इनका नाम आज भी बहुत ऊपर लिया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट को ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, गुड लक।